अग्रवाल फर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर नेहरू नगर आगरा पर डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल द्वारा वार्षिक दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 75 परिवार को आमंत्रित किया गया। डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में जितने भी बच्चे IVF के द्वारा हुए हैं तथा उनके साथ उनके परिवार के लोगों को यहां पर बुलाया गया है। डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल ने लोगों को धन्यवाद दिया कि जिन लोगों ने यहां से अपना इलाज कराया है। हम लोग एनुअल फंक्शन बुलाते हैं, इसमें जो हमारे IVF के पेशेंट्स हैं जिनको प्रेगनेंसी हुई और हमारे यहाँ से उनको बच्चा प्राप्त हुआ, तो उस पेशेंट्स की खुशी को हम बांटने के लिए एनुअल फंक्शन बनाते हैं और उन पेशेंट्स को यहाँ बुला के और उनके साथ कुछ टाइम बिताना चाहते हैं और उनकी खुशी। किस तरह की एक्टिविटीज़ आज यहाँ की गई हैं? हमने बच्चों के हिसाब से कुछ गेम्स रखे हैं, कुछ बच्चों के माता पिताओं के लिए भी कुछ गेम्स रखे हैं और खाने पीने का इंतजाम रखा है। मैम, जब किसी चीज़ का पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो कैसा लगता है, मतलब क्या फीलिंग्स आती है? हमको ऐसा लगता है कि हमने जो काम किया वो एटलीस्ट कुछ हमें उसका रिजल्ट मिला और आगे हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि हम अब जो काम कर रहे हैं उसको करते रहें और इसी तरह भगवान का आशीर्वाद हमारे पे बना रहे। अग्रवाल फर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर नेहरू नगर आगरा पर डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल द्वारा वार्षिक दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के साथ आए परिवार के लोगों ने कई प्रकार के खेलों का आनंद भी लिया और डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल व अग्रवाल फर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की टीम को तहे दिल से धन्यवाद दिया। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है मैडम ने हमें एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है। हम इसे फंक्शन को देख के तो और प्रसन्नता हो रही है, बहुत ही अवमान हो रहा है कि हमारे साथ एक हमारा बच्चा है। हम यहाँ पर इतने सेटिस्फाइड हैं, उसके बाद भी मैं 2-3 लोगों को इसीलिए रिकमेंड कर चुका हूँ। वैसे तो आगरा में कई सेंटर बने हुए हैं, लेकिन जो सुविधा यहाँ पर है और मैम की जैसी जिस तरह से डायग्नोज है वो बहुत अच्छी है। अग्रवाल फर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर नेहरू नगर आगरा पर डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल ने बताया कि नवविवाहित जोड़े के साथ परिवार के सभी लोग घर में नन्हे कदमों की आहट सुनने को बेताब रहते हैं। परिवार को पूरा करने के लिए काफी प्लानिंग भी की जाती है, लेकिन प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं होने पर सभी तनाव में रहने लगते हैं। ऐसे में दंपतियों के लिए IVF तकनीक वरदान साबित हुई है। इस तकनीक से जटिल समस्याओं में भी दंपतियों ने संतान सुख प्राप्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ आगरा।